Good morning everyone, welcome to Ronzi Rider RR. So हम लोग निकले हैं पुणे की तरफ और एक और सरप्राइज है. सो हम लोग एक बाइक लेने जा रहे हैं पुणे की तरफ. सो देखते हैं, अभी हम लोग निकले हैं वाशी की तरफ से और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट अराउंड 2.5-3 आवर्स लगेगा क्योंकि हम बाइक पे ही जा रहे हैं. तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं वहाँ पे. तो बहुत ही प्यारा नज़ारा. तो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो सूरज उग रहा है और अगर आप मेरे राइट हैंड साइड में देखोगे तो चाँद नज़र आ रहा है. तो बहुत ही प्यारा नज़ारा और काफ़ी सारे साइकिलिस्ट भी निकले हैं क्योंकि आज सैटरडे है. ये हमारा रेगुलर स्पॉट, यहाँ तक पहुँच गए. अभी सिबड़ी क्रॉस करके, पनवेल क्रॉस करके हम पुणे का रोड लेंगे जो ओल्ड पुणे का रोड है. बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीनरी है यहाँ पे और ऊपर आप देखोगे तो बहुत प्यारा मंदिर है. गाइस सुबह राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है क्योंकि रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है और आप इजीली मैनूवर कर सकते हो. तो सीधा लोनावला पुणे की तरफ. आई होप कि एटलीस्ट 10 तक हम लोग पहुंच जाएं पुणे के. हमको काफ़ी टाइम भी लगेगा थोड़ा बाइक वगैरह चेक भी करने की है. और यहाँ से ले लो ना JNPT रोड, सिटी का ट्रैफिक नहीं मिलेगा. हाँ PUC, अच्छा ऑनलाइन PUC करा ली है हमने जो ज़रूरी थी. सो अभी हम यहाँ से निकलेंगे. ये हम पहुंच गए शेडंग टोल प्लाजा तक. काफी लंबी जर्नी है. ये कौन सी गाड़ी है? मेरे को लगा 2-स्ट्रोक RX 100 है लेकिन ये है. पीछे से तो स्प्लेंडर ही लग रही है और वही है हीरो होंडा स्प्लेंडर. काफ़ी धुआं छोड़ रही थी. वाओ ये बहुत ही प्यारा शिव की मूर्ति है. हाँ ये पूरा रोड बना दिया है अभी. राइट तो गाइस काफ़ी दिनों के बाद ये रोड पे आए हम लोग और ये रोड जो है पूरा कंस्ट्रक्शन मोड पे था. सो बहुत सारे खड्डे थे, रोड बन रहा था तब. अभी बहुत ही प्यारा रोड बना है. आपने पीछे देखा होगा, पीछे जो अंकल्स किचन है बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है सब बाइकर्स के लिए. वहाँ पे काफ़ी सारे बाइकर्स, सुपर बाइकर्स आते हैं, रुकते हैं यूजुअली संडे राइड्स में और फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट करके इधर लोनावला की तरफ निकलते हैं या मुंबई की तरफ निकलते हैं, डिपेंडिंग कि कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं. तो ये रोड बहुत ही अच्छे बनाए हैं अभी, बिल्कुल कोई भी खड्डे नहीं है. देखो नज़ारा दोस्तों, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ से. ये हमको मिला है टनल, तो टनल के अंदर भी मज़े ले लेते हैं थोड़े राइड करने के. लगता तो नहीं है चालू है, बंद रखा है इसने. हाँ बंद रखा है.
तो गाइस एक हॉल्ट ले रहे हैं यहाँ पे, मैगी या चाय कॉफ़ी जो भी है यहाँ पे पी के हम आगे बढ़ेंगे। ये है मैगी पॉइंट। गाइस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया था हमने और मैगी और कॉफ़ी पी ली है और यहाँ से निकल पड़े हैं हम। ये है लोनावला, बहुत ही प्यारी गणपति की मूर्ति है। तो अगर आप एक्सप्रेस वे से जा रहे हो तो वहाँ से भी दिखती है, लेकिन वहाँ से काफ़ी दूर से दिखती है, यहाँ से काफ़ी पास में है। गाइज हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं जहाँ से हमको बाइक कलेक्ट करनी है, और ये 1 मिनट दिखा रहा है लोकेशन पे। ये रहा होंडा, ओ ये है लोकेशन। यहाँ से दिख रही है गाड़ी, वो रही सामने, अंदर लगाता हूँ। आगे निंजा 1000 भी है, पशांकर ऑटो प्राइवेट लिमिटेड जो होंडा का शोरूम है, बट हम बाइक यहाँ से लेंगे अभी नहीं बोलूँगा मैं, ये अभी भी सस्पेंस ही है। ये है अफ्रीकन ट्विन जिसकी सर्विसिंग हो रही है। तो गाइस हम लोग ने फाइनली गाड़ी ले ली है, और आप ही देख लीजिएगा कि कौन सी गाड़ी है। ये होंडा का शोरूम है पुणे का, होंडा विंग वर्ल्ड। गाइस हम लोग ने बाइक कलेक्ट कर ली है, और ये है निंजा 400। सो निंजा 400 के बारे में स्पेसिफिकेशंस मोस्टली आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन इसकी बता देता हूँ। सो इसमें लगा है 399 सीसी का इंजन, और ये ट्विन सिलेंडर बाइक है, और इसमें स्लिपर क्लच दिया हुआ है। सो इसका टॉप स्पीड जो है 190 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के आसपास जाता है, जो कंपनी क्लेम करती है। सो गाड़ी बहुत स्मूथ है, और एक सर्विसिंग करेंगे तो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। इसका सीटिंग पोजीशन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका सीटिंग पोजीशन जो है अपराइट है, ज़्यादा लीन नहीं करना पड़ता है। सो उसके कारण जो है आपको बैक इश्यूज वगैरह नहीं होंगे। अभी हम मुंबई की तरफ निकल पड़े हैं, काफ़ी धीरे धीरे ट्रैफिक जो है बढ़ रहा है शाम का। तो गाइस हम लोग लोनावला तक पहुंच गए 400 को लेके, यहाँ पे कहीं पे हॉल्ट करके थोड़ी चाय पियेंगे, और वहाँ से फिर घर की तरफ बढ़ेंगे हम। ऐसा लग रहा है यहाँ पे सब 4 बजे बंद हो जाता है। ओ ये भी बंद है, ये एक अमृतालय दिखा है।
चार वाजता बंद होतो का? अच्छा एवढे कलर काढले आता काय बोलायचं. सो गाइस हम लोग ने बाइक स्विच कर दी है. तो मैं चला रहा हूँ अभी सुजुकी जिक्सर और मेरा जो दोस्त है जिसने वो बाइक ली है निंजा 400. सो वो अभी चला रहा है निंजा 400 उसकी. ये हम पहुँचे हैं लोनावला कामात रेस्टोरेंट के यहाँ पे. बिल्कुल खाली है, पूरा सुनसान पड़ा हुआ है. तो देखो जरा बहुत ही प्यारा नज़ारा है. नीचे पूरी खाई और काफी प्यारे बादल दिख रहे हैं. काफी काफी लोग मजे ले रहे हैं सीनरी के. रुकते जाते. ओहो बहुत बहुत रिफाइनमेंट है इसमें. मैं जब पूना से लेके लोनावला तक चलाया बहुत ही स्मूथ चलती है. बहुत इधर तो एक शॉट बनता है भाई का. हाँ बज गया. अगर मैं राइट मुड़ के सीधा चला जाता तो सीधा एक्सप्रेस वे मिलता. तो कभी भी यहाँ से लेफ्ट से जाना है. अच्छा हुआ याद दिलाने के लिए. नहीं लेफ्ट मारा तूने, हॉर्न मारा ना तभी मैं लेफ्ट मुड़ पाया, नहीं तो सीधा जा रहा था. तो गाइस हम लोग पहुंच गए JNPT तक. यहां से लेफ्ट लेफ्ट लेना अपने को. गाइस हम लोग पहुंच गए, ये है पाम बीच रोड और आप देख सकते हो मेरा दोस्त बहुत मज़े ले रहा है निंजा 400 के. यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है हमारा घर, बहुत ही क्लोज है. तो अभी हम घर जाके रेस्ट करेंगे. काफ़ी लंबी जर्नी थी, तो इट वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू 300 किलोमीटर अप एंड डाउन टोटल. तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. तो घर जाके रेस्ट करेंगे. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल. अंटिल देन प्लीज़ राइड सेफ गाइस, टेक केयर.